हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी सॉलिस्टनिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। फटाफट जो लोग भी इस क्लास में पहली बार आए हो, पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को हमारे क्लास के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है? सो दैट कि हम क्लास को स्टार्ट करें। गुड इवनिंग सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। ओके, हेलो, ऑल क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, गुड। चलिए ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। आज एक नया सेशन है, हम लोग वर्ल्ड मैप सीरीज में डिस्कशन कर रहे हैं पॉलिटिकल मैप्स को। तो आज ऐसे ही एक पॉलिटिकल मैप को हम डिस्कशन करने वाले हैं, एशिया। ठीक है, एशिया स्पेशली जो वेस्ट एशिया है उसके बारे में जानेंगे, पॉलिटिकल एक्सटेंशन जानेंगे, वो कंट्रीज कौन सी हैं जो उनमें आती हैं, मिडिल ईस्ट क्यों नाम उन्हें दिया गया है जो कि ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे, ये मिडिल ईस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, क्यों हम इसे वेस्ट एशिया ही नहीं बुलाते हैं, मिडिल ईस्ट ही क्यों बुलाते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। चलिए आप लोग को एक ओवरव्यू करा देता हूँ। आज हम लोग जानेंगे वर्ल्ड मैप सीरीज में, वर्ल्ड मैप सीरीज में जानेंगे हम लोग एशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, दिस वन हम लोग जानेंगे आज इसके बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेस्ट एशिया के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड मैप सीरीज में हम लोगों ने अफ्रीका को पढ़ लिया था, अफ्रीका से हमारी शुरुआत हो जाती है। आज हम लोग एशिया से शुरुआत कर रहे हैं, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड मैप में वेस्ट एशिया कहां पर आता है। वर्ल्ड मैप में वेस्ट एशिया कहां पर आता है, अगर बात करें तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो वेस्ट एशिया बिल्कुल उस जगह पर आता है जिस जगह के लिए ये फेमस है, यानी कि बिल्कुल मिडिल में। किसके मिडिल में आता है बताने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। ठीक है, बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखो इसका एक नाम है वेस्ट एशिया। अगर आप एशिया को देखो वर्ल्ड मैप में, अगर आप एशिया को देखें तो वर्ल्ड मैप में इसका जो पोजीशन है वो एशिया के वेस्ट की तरफ है, ये हो गया ईस्ट एंड दिस वन इज द वेस्ट। अगर इसके लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन को हम देखें तो ईस्ट की तरफ एशिया का ये वाला पोर्शन हो गया और वेस्ट की तरफ ये वाला पोर्शन हो गया। दैट्स वाई कंपेयर टू द ईस्ट ये वेस्ट पोर्शन में आता है एशिया कॉन्टिनेंट के, अगर हम लोकेशन वाइज देखें तो। ठीक है, अगर हम लोकेशन वाइज देखें तो ये वेस्ट की तरफ आता है। वहीं अगर अब वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम देखें, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में इसका जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से है कि देख रहे होंगे आप, ये सेंटर में आ जाता है। सेंटर में आने की वजह से अब देखो, सबसे पहले यूरोपियंस ने यहां पर क्या किया, जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड कॉलोनाइज्ड हो चुका था, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को यूरोपियंस ने कॉलोनाइज कर लिया था, अपने अपने उपनिवेश बना लिए थे, तो क्या मिडिल ईस्ट को भी नहीं बनाया होगा? मिडिल ईस्ट भी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं था, मिडिल ईस्ट को भी इन लोगों ने बनाया था अपना कॉलोनियल स्टेट। तो यहां पर जब ब्रिटिश आते हैं, फ्रेंच आते हैं और जर्मन्स आते हैं, तो उन सभी ने इसको अपने अपने पावर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया था, यानी जिसकी जितनी क्षमता उतना बड़ा एरिया। तो अगर हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में देखें, सिर्फ और सिर्फ यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में देखें, यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में जो एशिया है वो काफी दूर है। एशिया का जो जापान वाला हिस्सा है, जो ये जापान वाला हिस्सा है एशिया का, और जो चाइना का हिस्सा है, और जो आशियान कंट्री वाले हिस्से हैं, इसको जो यूरोपियंस थे उस टाइम पे कहते थे फार एशिया, यानी कि वो बहुत दूर है, फार एशिया का नाम था उसका। फिर कुछ समय के बाद उस एशिया के पार्ट को इन लोगों ने कहा कि ईस्ट एशिया वो है। फिर उसके बाद कहा, कुछ समय के बाद ईस्ट एशिया के बाद एक और डिवीजन आ गया नीचे की तरफ, इसे कहा साउथ ईस्ट एशिया।
फिर इंडिया वाले पोर्शन को कहा साउथ एशिया, अब बचा था इसका एक पार्ट जो कि वेस्ट में था। तो अगर कंपेयर करें हम वेस्ट की तरफ से, तो इनका जो पोजीशन है, इनके पोजीशन की वजह से ही ये आता है सेंटर में। सेंटर में आने की वजह से इसको कह दिया गया मिडिल। अब चूंकि ये पास था एशिया का, पार्ट था एशिया का, इस कारण से क्या हो गया, इसको नाम दे दिया गया मिडिल का। इनके कॉन्टेक्स्ट में ये ईस्ट हो गया, यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया। अगर ध्यान से देखो आप, तो ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। वैसे भी हम जो डेवलप्ड कंट्री हैं वर्ल्ड के, वो वेस्ट एशिया ही, वेस्ट यूरोप ही उसे हम बुलाते हैं। तो ये वेस्ट हो गए, तो वेस्ट के अकॉर्डिंग में ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, और ये सेंटर हो गया ईस्ट के अकॉर्डिंग में, तो इसका मतलब इसे बुलाया जाने लगा मिडिल ईस्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करेंगे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को। ठीक है, मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करें तो बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। इन सभी कंट्रीज को एक और नाम से जाना जाता है, वो है गल्फ कंट्रीज। ठीक है, एक और नाम से जाना जाता है गल्फ कंट्रीज। हाँ, सोचा चलो कुछ ब्लैक से ब्लू हो जाया जाए, जिंदगी पूरी ब्लैक हो गई है मेरी तो। चलो ठीक है, तो आज अन अकेडमी की टी शर्ट नहीं यूज किया हूँ, थोड़ा उसे आराम दे दिया हूँ, धुलने के लिए भी डाल दिया हूँ। ठीक है, अब चलो बात करते हैं गल्फ कंट्री। गल्फ कंट्री भी इन्हें कहा जाता है। वो एक ऐसा गल्फ है, एक ऐसी खाड़ी है, जिसके नाम पर ही इसे हम गल्फ कंट्रीज के तौर पर भी जानते हैं। वो कौन सी खाड़ी है, फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सिया। आप लोग को ध्यान होगा, पर्सिया जो कि ईरान का पुराना नाम था, वहां पर हम देखते हैं कि एक गल्फ है जिसे गल्फ ऑफ पर्सिया के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आप लोग मैप में देखोगे, अगर हम बात करें अब कंट्रीज के डिवीजन की, कंट्रीज, तो सबसे पहले जो सबसे कॉन्फ्लिक्टेड पार्ट है वो क्या होगा, जो सबसे कॉन्फ्लिक्टेड पार्ट है वो क्या है, आप लोग को पता है कि यूपीएससी में, स्टेट पीएससीज में, या किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। वो है वेस्ट एशिया के वो कंट्रीज जिनमें बाउंड्री जो है काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड आती है। दो कंट्रीज हैं, पहला नाम आता है इसराइल का। ठीक है, ये रहा ब्लू इसराइल, और इसके बगल में इसका पड़ोसी देश है पैलेस्टीन। ठीक है, फलस्तीन जिसे आप लोग कभी कभी कहते हो। हाँ, फारस की खाड़ी, बिल्कुल। तो अब देखो ये मैप, आप लोगों को मैप को माइंड में रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। अभी आज ही हम लोगों ने 6 बजे वाली क्लास में अन अकेडमी पे डिस्कशन किया था कि ये बताओ कि जो यहां पर एक बहुत ही ज्यादा हाइपर सैलाइन लेक है, इस हाइपर सैलाइन लेक को हम किस नाम से जानते हैं। इस हाइपर सैलाइन को हम किस नाम से जानते हैं, चलो बताओ फटाफट, सब लोग पार्टिसिपेट करिए। आपका पार्टिसिपेशन आपको, आपके नॉलेज को इनहांस करेगा, जितना पार्टिसिपेट करेंगे आप लोग। डेड सी, एग्जैक्टली। सो वेयर इज डेड सी लोकेटेड, सी दिस इज द डेड सी। मैं इसे जूम कर देता हूं, राइट, और जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को और क्लियर दिखे। ठीक है, दिख रहा है, देखो ये रहा, ये रहा आपका, देखो ये पूरा टेरिटरी जो आप देख रहे हो ये किसका है, ये इसराइल का है, पूरा कंप्लीट टेरिटरी। फलस्तीन एक्चुअली में थ्री साइडेड सराउंडेड है इसराइल से, फलस्तीन। ठीक है, फलस्तीन जिसे आप कहते हो, थ्री साइडेड सराउंडेड है बाय दी इसराइल, लेकिन इसका एक एरिया ऐसा है ईस्ट का जो लगता है किससे, जो लगता है जॉर्डन से। ठीक है, जॉर्डन से लगता है इसका ईस्ट एरिया। अब एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करते हैं, जो बाउंड्री बार बार पूछे जाते हैं, जो बाउंड्री बार बार पूछे जाते हैं वो ये हैं। देखो इसराइल से बाउंड्री पूछा जाता है कि इसराइल कंट्री की बाउंड्री किन किन देशों से लगती है, इसराइल कंट्री की बाउंड्री किन किन देशों से लगती है, ये बार बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखो तो इसराइल का जो वेस्ट कोस्ट है वो लगता है मेडिटेरेनियन सी से, इसराइल का जो वेस्ट कोस्ट है वो लगता है मेडिटेरेनियन सी से, यानी कि भूमध्य रेखा से लगता है। ठीक है,
भूमध्य रेखा से लगने की वजह से इसका एक्सेस हो गया है यूरोपियन कंट्री से, डायरेक्ट एक्सेस हो गया है। वहीं अगर हम इसराइल के ईस्ट की तरफ देखें तो ईस्ट की तरफ इसका एक पड़ोसी मुल्क है, वो है वेस्ट बैंक, जिसे कभी कभी बुलाया जाता है, कभी कभी इसे पैलेस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इसके ईस्ट में जॉर्डन भी है। जॉर्डन भी इसराइल से क्या करता है, नॉर्थ में बाउंड्री शेयर करता है, साउथ में बाउंड्री शेयर करता है और ईस्ट में बाउंड्री शेयर करता है। तो एक तरीके से जॉर्डन के साथ इसकी सीमा रेखा जो है वो सबसे लंबी है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें हम तो इसराइल के साउथ वेस्ट में जो कंट्री है वो है इजिप्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट में जो एक ग्रीन कंट्री आप देख रहे हो, ये क्या है, ये इजिप्ट है। तो इजिप्ट की बाउंड्री लगती है इसराइल से कहां से, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में लगती है बाउंड्री इस तरफ, ठीक है। तो कुल कितने कंट्री हो गए जिससे बाउंड्री शेयर करते हैं, साउथ साउथ वेस्ट में हो गया इजिप्ट हो गया, जबकि साउथ ईस्ट में हो गया जॉर्डन, वहीं नॉर्थ ईस्ट में हो गया जॉर्डन और वेस्ट, ठीक है, सेंट्रल वेस्ट की तरफ है फेलेस्टीन और इसके ठीक नॉर्थ में है लेबनान। लेबनान जिसकी कैपिटल है बेरूत, जो भी कुछ समय पहले बहुत ज्यादा न्यूज में था, यहां पर एक ब्लास्ट हो गया था, ध्यान होगा आप लोगों को, पिछले महीने की बात है ये, एक ब्लास्ट हो गया था पिछले महीने या लगभग 1.5-2 महीने हो रहे हैं इस घटना को, काफी ज्यादा समय हो रहा है। इसके पोर्ट पे ब्लास्ट हो गया था कैपिटल बेरूत में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेबनान, लेबनान बाउंड्री शेयर करता है इसराइल से नॉर्थ में, लेबनान शेयर करता है आया समझ में यहां तक, बाउंड्री क्लियर हुई, इसराइल को सेंटर में रखिए। आप लोग को जो याद रखना है वो है इसराइल, इसराइल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसराइल को ध्यान रखिए, इसराइल के नॉर्थ में देखो लेबनान हो गया, इसराइल के ईस्ट में क्या हो गया, जॉर्डन हो गया, इसराइल के वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी हो गई, इसराइल के सेंटर और वेस्ट में फलस्तीन हो गया और इसराइल के साउथ वेस्ट में इजिप्ट हो गया। ये कुछ कंट्रीज हैं जो आपको इसराइल के साथ लगते हुए दिखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो अब देखो इसके बाद चलते हैं हम जॉर्डन की तरफ। अब देखो जॉर्डन से दूसरा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जॉर्डन की तरफ देखो, जॉर्डन जो है, जॉर्डन यहां पर आप देख रहे हो, जॉर्डन की जो बाउंड्री है वो शेयर हो रही है किसके साथ, ये बाउंड्री रहा जॉर्डन का, ये बाउंड्री इधर सीरिया भी है, इसराइल के साथ लगती हुई बाउंड्री किसकी है, सीरिया की भी है, यहां पर नॉर्थ में, ठीक है। सीरिया आप देख रहे हो काफी ज्यादा फेमस है, सीरिया आजकल बहुत न्यूज में चल रहा है, पिछले 4-5 सालों से लगातार वहां पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस चल रही हैं। तो कुल कितने कंट्री हो गए, वन हो गया, दूसरा हो गया लेबनान, तीसरा हो गया जॉर्डन, फोर्थ कंट्री हो गई यहाँ पर फेलेस्तीन, इधर हो गई फिफ्थ कंट्री, कुल पांच कंट्री जो है वो बाउंड्री शेयर करती हैं किससे, इसराइल से, ठीक है, फाइव कंट्रीज। अब चलो देखो जॉर्डन की तरफ चलते हैं, जॉर्डन से बाउंड्री शेयर करती है यहां पर इराक, ठीक है, इराक, इराक भी बहुत समय पहले न्यूज में था, ठीक है। उसके बाद जॉर्डन से नॉर्थ ईस्ट में बाउंड्री तो इराक शेयर करता है, लेकिन जॉर्डन से पूरी तरीके से वेस्ट में बाउंड्री शेयर करने वाला जो कंट्री है वो है सऊदी अरब, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैप ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर आप अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा
थोड़ा सा इस पे और क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो हम कहां पर थे, हम यहां पर थे, ठीक है। देखो आप, ये रहा जॉर्डन, जॉर्डन से पूरी तरीके से, जॉर्डन एक्चुअली थ्री साइडेड सराउंडेड है, किससे, सऊदी अरब से, सऊदी अरेबिया से सराइडेड है, सराउंडेड है जॉर्डन फ्रॉम द थ्री साइडेड, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना जॉर्डन हो गया। और यहां पर बाउंड्री अब इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहां पे ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है बाउंड्रीज को पढ़ना, ठीक है, यहां पर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बाउंड्रीज को पढ़ना, क्योंकि आप अगर देखोगे तो सेंट्रल में हो जाता है इराक, देख रहे हो आप, सेंट्रल में हो जाता है इराक। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इराक को स्टडी करना, क्योंकि इराक से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखो इराक, इराक अपनी बाउंड्री किन कंट्रीज के साथ शेयर करता है, बहुत ही आसान है, इराक के ईस्ट की तरफ आएंगे, इसका चीर प्रतिद्वंदी ईरान है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान है वैसे इराक और ईरान के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अब देखो इराक के साउथ में कौन कंट्री है, तो सऊदी अरेबिया है इसके साउथ में कंट्री, बड़े बड़े कंट्रीज की तरफ चलते हैं। फिर इराक के वेस्ट में देखो जॉर्डन हो गया, क्योंकि जॉर्डन बाउंड्री शेयर करती है इराक के साथ, ये हो गया। इसके ऊपर की तरफ अगर आप देखो, जूम कर दे रहा हूं, इसके ऊपर की तरफ देखो तो ये कंट्री दिख रही है आपको, टर्की कंट्री है, टर्की है, टर्की बाउंड्री शेयर करती है किसके साथ, नॉर्थ में इराक के साथ बाउंड्री शेयर करती है। इसके अलावा देखो सीरिया हो गया इसके वेस्ट में, तो सीरिया भी क्या करता है, इराक से बाउंड्री शेयर करता है। कुल कितने कंट्री आपको दिख रहे हैं यहां पर, टर्की हो गया वन, सेकेंड हो गया ईरान, उसके बाद देखो यहां पर हो गया सऊदी अरब, और ये क्या हो गया, ये थर्ड हो गया, इसके बाद देखो फोर्थ हो गया जॉर्डन, फिर सीरिया हो गया फिफ्थ। एक छोटी सी कंट्री है जो बाउंड्री शेयर करती है इराक के साउथ में, जिसे हम कहते हैं कुवैत। याद होगा आप लोगों को खाड़ी का जो वॉर था, गल्फ वॉर जो था 90s के टाइम पे, जिसपे बॉलीवुड में एक फेमस मूवी भी आई थी कुछ टाइम पहले, है ना, तो उसमें जो है ये इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया था, ठीक है। तो कुवैत भी यहां पर एक कंट्री है जो साउथ में बाउंड्री शेयर करती है इराक के साथ। तो अब आप काउंट कर लीजिए कि कुल कितने कंट्री हो गए, तो देख लो नॉर्थ में टर्की हो गया वन, फिर सीरिया हो गया टू, उसके बाद जॉर्डन हो गया थ्री, उसके बाद सऊदी अरब हो गया फोर, फिर कुवैत हो गया फाइव, फिर ईरान हो गया सिक्स। तो फिलिस्तीन से फाइव इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है, जबकि इराक से सिक्स इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, हाँ, हम लोग अभी सिर्फ पॉलिटिकल कर रहे हैं, ठीक है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, ओके। हम इसके अलावा करेंगे जब फिजिकल मैप्स, तब हम लोग फिजिकल सब एक साथ करते हुए चलेंगे। आई जस्ट वॉन्टेड टू कि एवरी जो स्टूडेंट है उसको पॉलिटिकल मैप का अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाए। मैं सब उन्हीं पार्ट्स के एक पॉलिटिकल मैप आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा जो ज्यादातर कॉम्प्लेक्स हैं और ज्यादातर एग्जाम्स में वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही ऑब्जेक्टिव है, ओके। तो चलो अब इसके बाद इराक के बाद हम चलते हैं एक और मिडिल ईस्ट कंट्री की तरफ, जो काफी बड़ा कंट्री है एरिया वाइज अगर हम देखें, तो वो है सऊदी अरब। दिख रहा है आप लोगों को बहुत अच्छे से, इज इट क्लियरली विजिबल टू एवरीवन, अच्छे से क्लियर है ना, देखो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पूछोगे तो देखो एक घंटे का समय होता है और मैप में जो ना मिनट्स हैं चुटकियों में बीत जाते हैं, तो वीडियो की रिकॉर्डिंग देख लेना कुछ देर बाद, जब वीडियो की रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो। अब देखो सऊदी अरब की तरफ चलते हैं, सऊदी अरब एक बहुत बड़ा कंट्री है जो कई सारे कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है यहां पर। अब सबसे पहले हम इसके नॉर्थ की तरफ ही देखेंगे, नॉर्थ की तरफ ही हम इसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो देखो सऊदी अरब का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो कनेक्ट होता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वो कनेक्ट होता है किसके साथ, इराक के साथ। देखो ये बाउंड्री इराक इससे यहां पर शेयर कर रही है, काफी लंबी है, इराक से शुरू करते हैं, ठीक है। इराक के बाद देखो तो कुवैत है यहां पर एक और कंट्री जो इराक के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रही है और सऊदी अरब के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रही है, तो ये एक तरीके का बफर स्टेट हो गया। तो ये
एक तरीके का बफर स्टेट हो गया, है ना। बफर स्टेट आप लोग को पता है कि ऐसे कंट्रीज जो दो कंट्री के बीच में होते हैं, जैसे नेपाल है इंडिया और चाइना के बीच में, भूटान है इंडिया और चाइना के बीच में, कुछ ऐसे बफर कंट्रीज यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। तो कुवैत यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। अब कुवैत के बाद हम नीचे की तरफ चलें तो अब देखो एक कंट्री है यहाँ पर बहरीन दिख रहा है, एक छोटी सी कंट्री है बहरीन। देखो ये बहरीन, इसकी कैपिटल है मनामा, इसकी कैपिटल है मनामा, बहुत ही छोटी सी आइलैंड कंट्री है। बट एक्चुअली ये बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, ये आइलैंड कंट्री है, बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है तो इसे हम नहीं मानेंगे। बट एक्चुअली इट इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ द साउथ सऊदी अरेबिया। इसके बाद देखो एक कंट्री यहां पर आती है बहरीन के ठीक नीचे, वो है कतर, ठीक है। उसके ठीक नीचे दिख रहा आपको ये है कतर, कतर की कैपिटल आपको दोहा दिख रही होगी, कैपिटल पढ़ाऊंगा, ठीक है। कैपिटल की पूरी लिस्ट है मेरे पास, मैं आप लोग को दिखा देता हूं, कैपिटल की जो है वो पूरी लिस्ट है, और ये पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूंगा अच्छे स्टडीज के लिए। मैं आप लोग को स्वेज कैनाल भी बताऊंगा, स्वेज कैनाल के बारे में, सीनाई पेनिनसुला जो है इजिप्ट का वो भी, उसके बारे में भी बताऊंगा। प्लस स्वेज कैनाल में क्या सिर्फ कैनाल ही है या फिर इसमें लेक्स वगैरह भी हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कौन कौन से कंट्री और कैपिटल हैं, ठीक है। आर्मेनिया से शुरू होकर के कुवैत तक और लेबनान से शुरू होकर के यमन तक, इन सभी को हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलो एक और हम लोग काम करेंगे, वो काम क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कौन कौन से कंट्री आते हैं इसमें। तो अभी देखो सऊदी अरब के ईस्ट में आपको क्या दिख रहा है, कतर, कतर हो गया यहां पर, ये भी एक पेनिनसुला है एक्चुअली, कतर कंट्री जो है वो भी एक पेनिनसुला है, देख रहे होंगे आप। इसका जो लैंड मास है सराउंडेड बाय दी थ्री साइड, सराउंडेड बाय दी वाटर, ओशन हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और मिनिमाइज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि और कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो यहां ध्यान से देखो आप, कतर के ठीक सामने ईस्ट की तरफ जहां पर आईपीएल के मैच चल रहे हैं वो है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। वीडियो लाइक करो फटाफट सब लोग, इतने कम लाइक्स क्यों आए हैं, इतने कम लाइक्स क्यों आए, फटाफट लाइक करो सब लोग। देखो अब देखो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें तो देखो ये क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरात भी बाउंड्री शेयर करता है सऊदी अरब से ईस्ट में, देखो ध्यान से, ठीक है। और हाँ दोहा, दोहा फेमस है, दोहा अमेंडमेंट हुआ था आप लोग को पता ही होगा, है ना, दोहा अमेंडमेंट हुआ था। इसके बाद देखो सऊदी अरेबिया के बाद, सॉरी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बाद एक और कंट्री है, वो है ओमान, ओमान देखो ओमान। अच्छा यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, नॉट दुबई, यूएई की कैपिटल कंफ्यूज मत होना, दुबई नहीं है। दुबई एक ग्लोबल सिटी है, एक ग्लोबल सिटी जहां पर कि वर्ल्ड के जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके आपको हेडक्वार्टर्स मिल जाएंगे। इंडिया में भी ऐसे ही एक ग्लोबल सिटी डेवलप हो रही है, इंडिया में भी डेवलप हो रही है ऐसी ही एक वर्ल्ड सिटी, ग्लोबल सिटी। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं उस सिटी का नाम, ठीक है। चलो अब देखो ओमान, ओमान की कैपिटल है मस्कट, देख रहे हो मस्कट ध्यान से, मस्कट ही एकमात्र ऐसा कैपिटल है पूरे मिडिल ईस्ट में जो आता है एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है, जो कि इंडिया से होकर के गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरती है, जो ओमान है वो ठीक यहीं से गुजरता है, यानी कि उसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ओमान सिटी क्या है, सिचुएटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चंस बनते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देख रहे हो आप मस्कट, ओमान की कैपिटल है मस्कट, ठीक है। ना ना बैंगलोर, बंगलुरु है, बंगलुरु इंडिया की एक ग्लोबल वर्ल्ड क्लास सिटी बन बन रही है धीरे धीरे। बैंगलोर में आपको मल्टीनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर मिल जाएंगे बैंगलोर में, ठीक है, गुड़गांव नहीं है गुड़गांव नहीं है। चलो ओमान के बाद अब चलते हैं हम यमन की तरफ, देख रहे हो यमन। तो सऊदी अरब अभी तक उसने कतर से, यूनाइटेड अरब एमिरात से, ओमान से, और अब उसके साउथ की तरफ है, साउथ वेस्ट की तरफ है यमन, यमन जिसकी कैपिटल है सना, यमन जिसकी कैपिटल है सना, ध्यान से देखो आप इसको,
यमन जिसकी कैपिटल है सना, ठीक है, ओमान की कैपिटल है मस्कट विच इज लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो अब इसके अलावा देख लो और इधर की तरफ, अब देखो जॉर्डन आ गया नॉर्थ वेस्ट में, सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट में क्या है, जॉर्डन है। यही जॉर्डन जिसने इराक से भी बाउंड्री शेयर की है, और इसी जॉर्डन ने किसके बाउंड्री शेयर की हुई है, सऊदी अरब से बाउंड्री शेयर किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जिससे कि सऊदी अरब बाउंड्री शेयर करता हो। यहां पर आपको सिनाई पेनिनसुला देखने को मिल रहा है, ये इजिप्ट का पार्ट है, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, ये इजिप्ट का पार्ट है। इजिप्ट यहीं से इसराइल से बाउंड्री शेयर करता है। तो कुल कितने कंट्री हो गए जो सऊदी अरब से बाउंड्री शेयर करते हैं? तो सबसे पहले देखो जॉर्डन हो गया नंबर वन, फिर इराक हो गया नंबर टू, फिर कुवैत हो गया नंबर थ्री, उसके बाद देखो कतर हो गया नंबर फोर, फिर उसके बाद यूएई हो गया नंबर फाइव, उसके बाद देखो ओमान हो गया नंबर सिक्स, उसके बाद देखो यमन हो गया नंबर सेवन। तो अभी तक हम लोगों ने ऐसे कंट्री को देखा था जो फाइव बाउंड्री शेयर होती है इसराइल के साथ, वहीं छह बाउंड्री शेयर करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री इराक, वहीं यहां पर अगर हम बात करें सऊदी अरब की तो ये टोटल सेवन इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सी कंट्री किस कंट्री के साथ कितने बाउंड्री वगैरह शेयर करती है। ठीक है, कितने हो गए, सेवन हो गए। ठीक है ना, आप लोग इसको कहीं पर मेंशन कर लेना आपने। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हम किसकी तरफ चलते हैं आगे, सऊदी अरब हो गया, ठीक है, सऊदी अरब हो गया। अब देखो चलते हैं हम आगे की तरफ और देखते हैं यहां की एक और दूसरी बड़ी कंट्री, और वो कौन सी कंट्री है, ईरान, ठीक है, कौन सी कंट्री है, ईरान। ये जो ईरान है एक्चुअली यहीं तक बाउंड्री एग्जिस्ट करता है ईस्ट में, मिडिल ईस्ट का, गल्फ कंट्रीज का, ईरान। किसी स्टूडेंट ने पूछा, ठीक है, हाँ बहरीन, सुनील बहरीन जो है वो डायरेक्ट लैंड लैंड के साथ नहीं है, एक्चुअली वो वाटर के साथ डिवाइडेड है। तो मेन लैंड की अगर हम बात करेंगे तो सेवन है, अगर बहरीन के वाटर बॉडी को भी ले लेंगे अगर, जो सेपरेट होता है सऊदी अरब और बहरीन के बीच में, तो वो टोटल मिलाकर के एट हो जाएंगे अगर हम उसके वाटर ट्रीटी को भी देखेंगे। तो अब देखो यहां पर आते हैं हम ईरान की तरफ। ईरान को अगर आप देखें ध्यान से तो काफी बड़ी कंट्री है जो कि नॉर्थ में आर्मेनिया और अजरबैजान तक जाती है, वहीं ये साउथ ईस्ट में पाकिस्तान तक अपना बाउंड्री शेयर करती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक भी बाउंड्री शेयर करती है। देखा जाए अगर तो यहां पर ईरान का जो ईस्टर्न इंटरनेशनल बाउंड्री है वो लगता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन से। देखो यही बलूचिस्तान रीजन है जो अक्सर न्यूज में रहता है पाकिस्तान का, ये पूरा बलूचिस्तान का रीजन है जो एक्चुअली एक्सटेंड करता है ईरान के बाउंड्री तक, ठीक है। इसके बाद देखोगे आप तो वेस्ट की तरफ ईरान बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान से, देख रहे हो आप, अफगानिस्तान से बाउंड्री शेयर कर रहा है यहां पर ईरान, ठीक है, देख रहे हो आप ध्यान से। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके नॉर्थ में अगर आप जाओगे तो ये सेंट्रल एशिया है, दिस इज द सेंट्रल एशिया। देखो इसमें कितने कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया कंट्रीज को देखें तो यहां पर एक कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद इसके ऊपर की तरफ उज्बेकिस्तान, उसके बाद इसके ऊपर की तरफ कजाकिस्तान है, इसके नीचे की तरफ देखोगे आप किर्गिस्तान है, और इसके भी नीचे की तरफ ताजिकिस्तान है, ठीक है। इनको हम पढ़ेंगे किसी दूसरे दिन, आज नहीं। यहां पर बाउंड्री शेयर हो रहा है ईरान का अफगानिस्तान से ईस्ट की तरफ, वही नॉर्थ की तरफ अगर देखो तो ईरान की बाउंड्री शेयर हुई है तुर्कमेनिस्तान से। देखो ये तुर्कमेनिस्तान की बाउंड्री रही। यहां पर एक दिलचस्प क्वेश्चन पूछा जाता है मिडिल ईस्ट से, मिडिल ईस्ट से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो रिलेटेड है कैस्पियन सी से, ठीक है। है ना,
ऑडियो वीडियो क्लियर है गाइज आप लोगों तक? चलो ठीक है, अब देखो जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कैस्पियन सी से रिलेटेड, अक्सर करके एग्जाम में आता है। चलो देखते हैं इस मैप में फिर से जानने की कोशिश करते हैं। तो ईरान ने अभी तक दो कंट्री से बाउंड्री शेयर किया है, एक हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान और तीसरा हो गया तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। लेकिन अब आ जाओ नॉर्थ की तरफ, एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ, तो ये बाउंड्री शेयर कर रहा है अजरबैजान से। देखो यहां पर अजरबैजान जिसकी कैपिटल है बाकू, पेट्रोलियम ऑयल वाला ये काफी बड़ा रिच रीजन है, अजरबैजान का कैपिटल भी है, ठीक है। तो बाकू हो गया कैपिटल, ठीक है। अभी और कंट्री कैपिटल मैं आपको बता दूंगा, ईरान का आपको पता ही है, तेहरान है इसकी कैपिटल, जो एल्ब्रुस माउंटेन के पास बसा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत शहर है तेहरान, बहुत ही खूबसूरत सिटी है तेहरान, ठीक है। अगर कभी वर्ल्ड ट्रेवल करने का मौका मिले तो तेहरान जरूर घूमिएगा, बहुत ही खूबसूरत सिटी है वो, ठीक है। चलो एल्ब्रुस माउंटेन जो कि पूरी तरीके से स्नो से पूरी तरीके से कवर्ड है, वहीं अजरबैजान के बाद ये बाउंड्री शेयर कर रहा है किसके साथ, आर्मेनिया के साथ। देखो यहां पर ये रहा आर्मेनिया और इसकी छोटी सी बाउंड्री यहां पर लग रही है किसके साथ, ईरान के साथ। देखो ध्यान से यहां पर ईरान के साथ, और ईरान के साथ ही यहां पर एक छोटा सा पार्ट लगता है अजरबैजान का, ठीक आर्मेनिया के वेस्ट में। देखो यहां पर आर्मेनिया के ठीक वेस्ट में यहां पर देखो, तो यहां पर हो गया अजरबैजान और आर्मेनिया, दोनों ए ए से स्टार्ट है, आर्मेनिया अजरबैजान एक्चुअली बाउंड्री शेयर कर रहे हैं ईरान से इन दी नॉर्थ। अब इसके वेस्ट की तरफ अगर आप देखो ध्यान से, तो ये रहा आपका टर्की, ठीक है, तुर्की जिसे कहते हैं हिंदी में, और ये टर्की है, ठीक है। टर्की के लिए काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा इसको भी आपको। उसके बाद देखो आप, तो वेस्ट में क्या हो गया टर्की, फिर टर्की से अगर हम नीचे की तरफ आए तो ईरान के साथ बाउंड्री शेयर होती है किसकी, इराक की। काफी बड़ी वेस्ट में बाउंड्री है ये, काफी बड़ी बाउंड्री है जो इराक और ईरान आपस में शेयर करते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये सबसे लंबी बाउंड्री भी शेयर करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। तो कुल अगर कंट्रीज की बात करें तो काउंटडाउन शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कितने कंट्री यहां से बाउंड्री शेयर करते हैं ईरान के साथ। सबसे पहले है टर्की नंबर वन, उसके बाद आता है आर्मेनिया नंबर टू, उसके बाद अजरबैजान आता है नंबर थ्री, उसके बाद आप देखोगे यहां पर तो तुर्कमेनिस्तान है नंबर फोर, इसके बाद देखो अफगानिस्तान हो गया नंबर फाइव, इसके बाद हो गया पाकिस्तान नंबर सिक्स, ठीक है। तो कुल कितने कंट्री हो गए, सिक्स के बाद हो गया इराक नंबर सेवन, सेवन कंट्री हो गए, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, टोटल सेवन कंट्री हो गई जो ईरान के साथ भी बाउंड्री क्या करती हैं, शेयर करती हैं। अगर हम एग्जैक्ट लैंड्स की बात करें कि कौन कौन से कंट्री लैंड के साथ एक दूसरे से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती हैं, तो ईरान और सऊदी अरब दोनों में टाई हो चुका है, सेवन सेवन। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में। चलो अब आगे चलते हैं, ईरान के बाद अब हम आते हैं, हमने अभी तक देख लिया साउथ का रीजन देख लिया, हमने अभी तक देख लिया वेस्ट का रीजन, और हमने देख लिया सेंट्रल का रीजन। अब हम चलते हैं इसके नॉर्थ वाले रीजन की तरफ, नॉर्थ वेस्ट रीजन की तरफ। कुछ कंट्रीज यहां पर भी हैं, कुछ कंट्रीज यहां पर भी हैं। अब इन सभी कंट्रीज को देखो, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल बाउंड्री बता रहा हूं, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री एक बार क्लियर हो जाएगा तो फिर बाकी सारी चीजें जो इसके फिजिकल कंपोनेंट में है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। चलो तो इंटरनेशनल बाउंड्री में अब हम देख रहे हैं यहां पर एक सी है, ये सी दिख रहा है आपको, ये है कैस्पियन सी, ठीक है। कैस्पियन सी है यानी कि कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर की अगर हम बात करें तो कैस्पियन सागर रहा यहां पर जो कि मिडिल ईस्ट कंट्री के नॉर्थ वेस्ट में एग्जिस्ट करता है। देखो अगर ध्यान से तो ये नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो गया। अब यहां पर आप देखोगे
तो जो बाउंड्री शेयर होती है सिर्फ और सिर्फ दो ही कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट की जो बाउंड्री शेयर करती हैं। किसके साथ बाउंड्री शेयर करती हैं? कैस्पियन सी के साथ। नंबर वन कंट्री है आपका ईरान, ठीक है, और एक कंट्री है अजरबैजान, जो कि इसके ठीक वेस्ट में, सेंट्रल वेस्ट में। अजरबैजान और ईरान दो कंट्री हो गए जो कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर वो ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट में एकमात्र कंट्री जो एग्जैक्टली मिडिल ईस्ट में आएगी वो है ईरान, जो कि बाउंड्री शेयर कर रहा है कैस्पियन सी के साथ। ये फैक्ट याद रखिएगा, अजरबैजान और ईरान दोनों ही बाउंड्री शेयर करते हैं कैस्पियन सी से, उनका कोस्ट लगता है। किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर अगर कजाकिस्तान यहां पर बाउंड्री शेयर कर रहा है कैस्पियन सी से तो वो लैंड लॉक्ड कैसे हुआ? लैंड लॉक का मतलब ये नहीं है कि कोई छोटा मोटा या बड़ा इंटीरियर, ठीक है, इंटरनल सी का अगर बाउंड्री शेयर कर रहा है किसी कंट्री से। एक्चुअली आप लोग को बता देता हूं लैंड लॉक कंट्री का डेफिनेशन क्या होता है, पिछली क्लास में भी बताया था, इस क्लास में भी बता देता हूं कि अगर आप कजाकिस्तान की बाउंड्री को देखिए, इसकी प्रॉक्सिमिटी को देखिए, आप कैसे ये लोकेटेड है, तो इसके पास एक्सेस तो है कैस्पियन सी तक जाने का, ये कैस्पियन सी में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये कैस्पियन सी की बाउंड्री को क्रॉस करके ना तो रशिया आ सकता है, ना ही अजरबैजान जा सकता है, ना ही ईरान जा सकता है। इसके पास कोई ओपन सी नहीं है जो इसे इसकी मेन टेरिटरी से बाहर की तरफ निकाल सके। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, देखो यहां पर जो ये आपको यूनाइटेड अरब एमिरात दिख रहा है, इज दिस अ लैंड लॉक कंट्री? नो। इसके पास क्या है? इट हैज द इंटरनेशनल वाटर का इसके पास एक्सेस है, ठीक है, एक्सेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर। ये क्या कर सकता है? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए गल्फ ऑफ ओमान में आएगा और उसके बाद ये आ सकता है अरेबियन सी में, डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। पर्शियन गल्फ की कंट्री है ये यूनाइटेड अरब एमिरात, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के गल्फ ऑफ ओमान से सीधा आ सकता है इंटरनेशनल वाटर बॉडी में, ठीक है। अरे मैं मिडिल ईस्ट पढ़ा रहा हूं यार, तो क्या कजाकिस्तान मिडिल ईस्ट में आता है? नहीं, कजाकिस्तान तो बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन क्या वो मिडिल ईस्ट में आता है? मैंने कहा कि हम मिडिल ईस्ट पढ़ रहे हैं, हम पूरे एरिया को नहीं देख रहे हैं, अभी मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूं मिडिल ईस्ट। फिर कैस्पियन सी को सेंट्रल में रख करके उसके चारों तरफ कितने कंट्री हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके समझते हुए चलो, नहीं तो ऐसे भूल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो लैंड लॉक कंट्री का मतलब क्या होता है? दोज कंट्री जिनके पास कोई भी अपना ओपन एरिया, ओपन ओशन का एक्सेसिबिलिटी ना हो, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर, हम आते हैं टर्की के पास, ठीक है। अब देखो टर्की के पास और अजरबैजान के पास और यहां पर एक और कंट्री है जॉर्जिया, देखो यहां पर ध्यान से, जॉर्जिया, जॉर्जिया, टर्की, ईरान, अजरबैजान के बीच में कंट्री है जिसका नाम है आर्मेनिया, जिसका नाम है आर्मेनिया। आर्मेनिया कैसी कंट्री है? ये क्या लैंड लॉक कंट्री है या फिर ये किसी भी ओपन सी को एक्सेस करता है? चलो बताओ आप लोग आर्मेनिया बताओ। देखो जूम कर दिया है मैंने, क्या आर्मेनिया कोई भी ओपन सी एक्सेस करती है? फटाफट आंसर करो, रास्ता भूल गया था। अच्छा कोई बात नहीं, जीपीएस स्ट्रांग रखिए, जीपीएस स्ट्रांग रखिए। लैंड लॉक्ड है, यस, आर्मेनिया इज अ लैंड लॉक। क्यों? इसके पास सिर्फ और सिर्फ एयर रूट के कोई भी लैंड रूट ऐसा नहीं है जो उसे बाहर ले जा सके, बाकी दुनिया से कनेक्ट कर सके, डायरेक्ट नहीं है, इसे इनडायरेक्टली जाना पड़ेगा। या तो ये एयर रूट को फॉलो करे, ठीक है, येरेवन जो कि इसकी कैपिटल है, या फिर ये क्या करे, ईरान से कहे कि भाई हमें एक्सेस दे दो हम कैस्पियन सी तक जाएं, या फिर ये कहे कि आप हमें जो है जॉर्जिया से कि आप हमें ब्लैक सी का एक्सेस दे दो, लाइक दैट, ऐसा तो ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आर्मेनिया इज अ लैंड लॉक, जस्ट रिमेंबर, आर्मेनिया इज अ लैंड लॉक। किसी ने कहा कि कुवैत, क्या कुवैत लैंड लॉक्ड है? नो, कुवैत के पास एक्सेसिबिलिटी है पर्सियन गल्फ की।
फारस की खाड़ी का एक्सेस है। ये फारस की खाड़ी से होते हुए जा सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए अरेबियन सी में आ सकता है, और यहां से फिर ये इंडियन ओशन को एक्सेस कर सकता है। सो कुवैत सिटी, कुवैत इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। आया समझ में? ठीक है, अब क्या समझना है यहां पर देख लो। अब इसके बाद देखो, अजरबैजान के बाद अगर हम आर्मेनिया के ऊपर देखें तो आता है जॉर्जिया। ये रहा जॉर्जिया, जॉर्जिया जिसकी कैपिटल जो है तिब्लिसी है। ठीक है, जॉर्जिया कैपिटल क्या है? तिब्लिसी है। आर्मेनिया का येरेवन और अजरबैजान का बाकू है। ठीक है, इसके बाद देखो टर्की की तरफ आते हैं हम। टर्की जिसकी कैपिटल है अंकारा, इस्तांबुल इसका सबसे बड़ा सिटी है। इस्तांबुल इसका सबसे बड़ा सिटी है जो लोकेटेड है एशिया और यूरोप के बीच में। वर्ल्ड में कुछ ही कंट्री ऐसे हैं जो दो कॉन्टिनेंट के साथ अपने बाउंड्री शेयर करते हैं, उसमें से एक टर्की भी है। ठीक है, उसमें से एक टर्की भी है। हाँ, अजरबैजान दो पार्ट में है। ठीक है, अजरबैजान टू पार्ट में है। तो टर्की का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिटी है वो इस्तांबुल है, और इस्तांबुल जो है वो सिचुएटेड है बिटवीन दी यूरोप एंड बिटवीन दी एशिया। तो इस्तांबुल इसकी सबसे बड़ी सिटी होगी, बट दिस इज नॉट द कैपिटल, कैपिटल इज दी अंकारा। ठीक है, ये रहा अंकारा। अब देखो टर्की कितने कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है, कितने कंट्रीज के साथ? तो सबसे पहले देखो अगर आप यूरोप में, तो ये बल्गारिया के साथ करता है, या बुल्गारिया है ना, बल्गारिया के साथ करता है, इसकी कैपिटल है सोफिया। यूरोप पे आएंगे, किसी और क्लास में पढ़ेंगे यूरोप में। इसके बाद देखो ये हो गया, यहां पर आपको दिख रहा होगा ग्रीस, यानी कि टर्की जो है ग्रीस के साथ भी, ग्रीस जिसे आप यूनान के नाम से भी जानते हो, ग्रीस के साथ भी बाउंड्री क्या करता है, शेयर करता है। यहां पर देखो, ठीक है, बल्गारिया और ग्रीस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो दो यहां पर कंट्री हो गए। वही इसके बाद अगर आप देखो तो ये बाउंड्री शेयर करता है इधर की तरफ, अगर आप आओगे तो साउथ में सीरिया की तरफ ये बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, सीरिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है साउथ में। ये दिख रहा आप लोग को एलेप्पो, एलेप्पो सिटी बहुत फेमस था। क्यों फेमस था? क्योंकि एलेप्पो सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब वो बस और बस एकमात्र अवशेष रह गए, उसके रिमेनिंग्स रह गए। एलेप्पो जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, एलेप्पो सिटी रहा ये सीरिया। उसके बाद देखो एक और सिटी है फेमस, बहुत ही फेमस सिटी है। ये सिटीज एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एलेप्पो कौन से कंट्री की सिटी है जो बहुत न्यूज में थी, तो एलेप्पो कहाँ की सिटी है, वो है सीरिया की। इसके अलावा एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, वो पूछा गया है मोसूल से रिलेटेड। मोसूल भी कुछ ऐसी ही सिटी है जैसे कि एलेप्पो है। एलेप्पो भी क्या हो जा रहा है, इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि सिविल वॉर चल रहा है, इराक में भी सिविल वॉर चल रहा है, सीरिया में भी। आइसिस के अंडर में था मोसूल, ठीक है, आइसिस के अंडर में था मोसूल। मोसूल कहां पर है? इराक में, इसका ध्यान रखिएगा। अब अगर बाउंड्री की बात करें तो टर्की शेयर करता है बाउंड्री यहां पर सीरिया से, ठीक है, उसके बाद शेयर करता है किसके साथ? इराक के साथ। देखो यहां पर इराक के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, और ये रहा आपका सीरिया। इसके बाद देखो तो टर्की बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? जॉर्जिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? जॉर्जिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। फिर उसके बाद देखो आर्मेनिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। फिर उसके बाद देखिए तो अजरबैजान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अजरबैजान का छोटा सा पार्ट ये रहा यहां पर अलग से, अजरबैजान का, ठीक है। इसके बाद ये ईरान से बाउंड्री शेयर करता है। ईरान के बाद और कोई सिटी ऐसी नहीं जिससे बाउंड्री शेयर करता है। तो कुल कितने सिटी हो गए? यहां पर हुआ बल्गारिया वन, ठीक है, बल्गारिया हो गया यहां पर वन, दूसरा हो गया ग्रीस, उसके बाद देखो तीसरी कंट्री है सीरिया, उसके बाद है इराक नंबर फोर, नंबर फाइव ईरान, नंबर सिक्स अजरबैजान, नंबर सेवन आर्मेनिया और नंबर एट जॉर्जिया। कुल एट कंट्री हो गई जिनके साथ टर्की बाउंड्री शेयर करता है। टाई क्या हो गया? खत्म। अब सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाली कंट्री कौन सी हो गई? टर्की। फिर से काउंट करना है तो वेस्ट से कर लो। देखो जॉर्जिया से बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ में, ईस्ट में आर्मेनिया से,
साउथ ईस्ट में अजरबैजान से तीन हो गया, चार हो गया आपका ईरान, फोर के बाद फाइव हो गया इराक, इराक के बाद सीरिया हो गया, ठीक है, फोर फाइव सिक्स हो गया, और सिक्स के बाद हो गया ग्रीस सेवन, और बल्गारिया हो गया एट। हाँ, नेक्रोपोलिस बन गया है। अजरबैजान से कैसे देख लो, कोई पूछ रहा है। देखो ये अजरबैजान, अजरबैजान का एक मेन लैंड ये हो गया, और दूसरा लैंड यहाँ पर भी है, बिटवीन दी आर्मेनिया एंड ईरान। देखो अजरबैजान का छोटा सा लाइन दिख रहा है ये इसका अलग लैंड है, जैसे कभी पाकिस्तान हुआ करता था वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान, तो वैसे ये भी है, कभी फ्यूचर में ये अलग कंट्री बन जाएगा तो कहा नहीं जा सकता। तो इस तरीके से आप लोगों ने अभी अभी देखा मिडिल ईस्ट के वो कंट्रीज जो कि आते हैं बिल्कुल अपने साथ कई सारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज को लेकर के। अच्छा, लैंड लॉक कंट्रीज देख लेते हैं, कौन कौन से लैंड लॉक कंट्री हैं, ठीक है, लेट्स आइडेंटिफाई द लैंड लॉक कंट्री ऑफ द मिडिल ईस्ट। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा फेलस्टीन से, यानी कि जो फलस्तीन है हम उसे शुरू करेंगे। फलस्तीन एक्चुअली में थ्री साइड से सराउंडेड है, इसराइल से, और ईस्ट में उसके क्या है, सीरिया है, सीरिया नहीं, उसके ईस्ट में क्या है, जॉर्डन है, ठीक है, जॉर्डन हो गया। तो ये पूरी तरीके से लैंड लॉक कंट्री है, वेस्ट बैंक भी जिसे आप कहते हो, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया सबसे पहला लैंड लॉक कंट्री फेलस्तीन, नंबर वन। इसराइल इज नॉट अ लैंड लॉक कंट्री, ये मेडिटेरेनियन सी से शेयर करता है। उसके बाद देखो जॉर्डन, जॉर्डन भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, क्योंकि जॉर्डन के पास एक्सेसिबिलिटी है, जॉर्डन के पास एक्सेसिबिलिटी है रेड सी की, और ये रेड सी की जो एक्सेसिबिलिटी है वो जाती है एक गल्फ से, ठीक है, इस गल्फ के बारे में आप लोग को बता दूं, ये गल्फ देख लो आप लोग, देखो ये गल्फ है, गल्फ ऑफ अकाबा, देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये गल्फ ऑफ अकाबा है, दिस इज द गल्फ ऑफ अकाबा। ये एक्चुअली सिचुएटेड है यहां पर, आप देखोगे ये सऊदी अरब है, इसके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में देखोगे ये जॉर्डन हो गया, तो जॉर्डन को एक्सेसिबिलिटी है गल्फ ऑफ अकाबा की, और गल्फ ऑफ अकाबा से हो करके ये चला जाता है रेड सी में, दिख रहा है बॉटम पे, ये चला जाता है रेड सी में, और रेड सी में जाने के कारण क्या है, इट इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री। तो अगर अब आप मैप में देखो, ठीक है, तो अगर आप मैप में आप देखो तो गल्फ ऑफ अकाबा हो गया, इसके पास इसकी एक्सेसिबिलिटी बनती है। उसके बाद देखो सऊदी अरब इज नॉट अ लैंड लॉक कंट्री, क्योंकि सऊदी अरब के पास रेड सी का एक्सेस है, गल्फ ऑफ एडन का एक्सेस है, अरेबियन सी का नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली अरेबियन सी का है, वो है गल्फ ऑफ पर्सिया से होकर के, सो ये भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है। उसके बाद देखो यमन, यमन के पास एक्सेस है किसकी, रेड सी की एक्सेस है और गल्फ ऑफ एडन का एक्सेस है, तो ये भी लैंड लॉक कंट्री नहीं हुआ। ओमान को देखें तो ओमान भी एक क्या है, इसके पास डायरेक्ट एक्सेस है अरेबियन सी का, तो ये भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है। यूएई की बात करें तो इसके पास पर्सियन गल्फ का एक्सेस है जो कि इसको कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गल्फ ऑफ ओमान तक, और गल्फ ऑफ ओमान फर्दर जाता है कहां पर, अरेबियन सी तक, तो ये भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है। वहीं अगर हम बात करें कतर की, तो कतर भी पर्सियन गल्फ के पास है, पर्सियन गल्फ में, तो ये भी लैंड लॉक कंट्री नहीं हुआ। कुवैत भी एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है क्योंकि ये भी एक्सेस करता है पर्सियन गल्फ को, ठीक है। उसके बाद देखो ईरान, ईरान भी एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है क्योंकि ये पूरी तरीके से एक्सेस करता है गल्फ ऑफ ओमान को और अरेबियन सी को। इसके अलावा देखा जाए तो इराक, इराक भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है क्योंकि इराक भी छोटा सा बाउंड्री शेयर करता है यहां पर, ठीक है, कुवैत के पास, नॉर्थ में कुवैत के पास शेयर करता है, तो ये भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है। अगर हम बात करें अजरबैजान की, तो
तो अब देखो अजरबैजान यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैस्पियन सी की अगर हम बात करें तो ये ओपन एरिया में नहीं जाएगा, ठीक है, ये ओपन एरिया में नहीं जाएगा। ठीक है, समय तो बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर लैंड लॉक कंट्रीज में देखे तो आर्मेनिया आर्मेनिया हो गया, और अजरबैजान भी एक तरीके से क्या है, अजरबैजान के पास एक्सेस है, ठीक है, अजरबैजान के पास क्या है, एक्सेस है। वहीं अगर हम बात करें जॉर्जिया की तो जॉर्जिया के पास भी एक्सेस है। वहीं हम बात करें टर्की की तो टर्की के पास भी एक्सेस है। बचता है सीरिया, सीरिया के पास भी एक्सेस है। एक और कंट्री है जिसकी कैपिटल है निकोशिया, वो है साइप्रस, ठीक है। लेबनान हो गया, लेबनान की भी कैपिटल क्या है, बेरूत है। इन सबको ध्यान रखना है आप लोगों को। देखो जो एक और क्वेश्चन बनता है वो ये है, ये क्वेश्चन बनता है गल्फ ऑफ पर्सिया से कि फारस की खाड़ी में कौन कौन से कंट्री के कोस्ट जो है वो मिलते हैं, फारस की खाड़ी में कौन कौन से कंट्री के कोस्ट जो है वो सिचुएटेड है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्थ में इराक का है, इधर ईरान का है, इधर कुवैत का है, यहाँ पर बहरीन का है, सऊदी अरब का पूरा कोस्ट लग रहा है, यहाँ पर कतर का हो गया, और किसका हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात का हो गया, और इसके अलावा नॉर्थ में ओमान आप देख रहे हो, ओमान का हो गया। तो ये सभी कंट्री जो है पर्सियन गल्फ में इनके पास कोस्टल एरियाज हैं, ईरान 1, इराक 2, कुवैत 3, बहरीन 4, उसके बाद दोहा 5, यूएई 6, और ओमान हो गया 7। एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग को बता दूं, एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आता है कि मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन से कंट्री के जो बाउंड्री हैं वो लगते हैं, मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन से कंट्री के जो बाउंड्री हैं वो लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टर्की का लग रहा है आप देख रहे होंगे, टर्की का लग रहा है यहाँ पर पूरी तरीके से, इसके अलावा लग रहा है सीरिया का बाउंड्री देख रहे हो आप, सीरिया के वेस्ट में हो गया, ये पूरा आइलैंड कंट्री है साइप्रस, पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन सी में है, कंप्लीटली सराउंडेड फ्रॉम दी कंप्लीटली सराउंडेड है उससे। वहीं लेबनान हो गया वेस्ट की तरफ, वहीं इसराइल हो गया वेस्ट की तरफ, ये सभी किससे बाउंड्री लगते हैं, इनकी मेडिटेरेनियन सी से लगती है। तो 1, 2, 3 और 4 कंट्री ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री लगती है मेडिटेरेनियन सी से। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिलेटेड है आपके इजिप्ट से, इजिप्ट एक ऐसा कंट्री है जो कि दो कॉन्टिनेंट्स में आता है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं क्या बता रहा था, कि जो इजिप्ट है वो दो कॉन्टिनेंट्स में, एक है इसका एशिया, एशिया में इसका सिर्फ और सिर्फ सीनाई पेनिनसुला आता है, इसका ये सीनाई पेनिनसुला एक तरीके से डिटैच होता है फ्रॉम दी स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल जो है वो सीनाई पेनिनसुला को अलग करती है अफ्रीका से और एशिया से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सिनाई पेनिनसुला पार्ट किसका है, इजिप्ट का है, और इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला पार्ट में छोटे छोटे कई सारे लेक्स हैं, उन्हीं लेक्स के ऊपर बनाया गया है स्वेज कैनाल, ठीक है। अगर आप लोग को देरी ना हो रहा हो तो मैं पढ़ाऊं आगे, जैसी आप लोग की आज्ञा हो वैसा काम किया जाएगा। देखो ये है सिनाई पेनिनसुला, कंप्लीटली इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, यहां पर आप देख रहे होंगे ये गल्फ ऑफ स्वेज है, दिस इज द गल्फ ऑफ स्वेज, ठीक है, गल्फ ऑफ स्वेज, यही गल्फ ऑफ स्वेज आगे चल करके स्वेज कैनाल के नाम से फेमस हुआ। ये स्वेज कैनाल का रीजन आप देखोगे तो स्वेज कैनाल बेसिकली स्टार्ट होता है स्वेज से जो जाता है पोर्ट फोर्ट तक, या इसको बताता हूं मैं आपको,
इसको हम कहते हैं इस्थमस ऑफ स्वेज के नाम से भी ये फेमस है। ये जो एरिया है ये इस्थमस ऑफ स्वेज के नाम से फेमस है। इस्थमस का क्या मतलब होता है? इस्थमस इज अ नैरो कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो कि डिवाइड करता है दो डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज को। तो ये डिवाइड कर रहा है गल्फ ऑफ स्वेज को मेडिटेरेनियन सी से। इस्थमस ऑफ स्वेज, इस्थमस ऑफ स्वेज क्या है? ये डिवाइड कर रहा है किसको किसको डिवाइड कर रहा है? मेडिटेरेनियन सी को और गल्फ ऑफ स्वेज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर बात करें यहां पर स्वेज गल्फ इस्थमस ऑफ स्वेज की, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा टोटल एरिया। ये देख रहे हो आप, ये गल्फ ऑफ स्वेज से स्टार्ट हो रहा है। लेट मी जूम दिस। देखो ये रहा गल्फ ऑफ स्वेज, यहां से शुरू होती है स्वेज कैनाल, ठीक है? ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ये कैनाल रहा जो सबसे पहले जाकर के मिलता है लिटिल बिटिर लेक से। किससे मिलता है? लिटिल बिटर लेक से मिलता है। को क्या मिलता है? तो ये मिलता है गल्फ ऑफ स्वेज, ठीक है? शुरुआत होती है यहां से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक और कैनाल आता है जिसे कहा गया है अल किबरित नेविगेशनल कैनाल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक और लेक आता है जिसे ग्रेट बिटर लेक के नाम से जाना जाता है। ये लिटिल है, लिटिल बिटर लेक, और ये हो गया आपका ग्रेट बिटर लेक। इसके ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहां पर एक और लेक है, लेक तिमशा, ठीक है? देख रहे हो आप, यहां पर एक और लेक है, लेक तिमशा। ये सब छोटे छोटे लेक हैं जिनसे स्वेज कैनाल को कनेक्ट करके डेवलप किया गया है। वैसे तो स्वेज कैनाल की टोटल लेंथ 193 किलोमीटर है। कितनी है? 193 किलोमीटर है, ठीक है? 193 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो इसमें से बहुत सारा पार्ट जो है वो लेक का भी आता है। इसके बाद ऊपर की तरफ चलें तो यहां पर आपको अल बल्लाह कैनाल देखने को मिलता है, और फिर इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो एक और कैनाल है, अल बकर ड्रेनेज कैनाल है ये, ठीक है? दिस इज द अल बकर ड्रेनेज कैनाल। और इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो ये रहा स्वेज कैनाल जो जा करके मिलता है पोर्ट सईद पे, ठीक है? दिस इज द पोर्ट सईद। ये रहा आपका स्वेज कैनाल। तो कुल मिला जुला करके स्वेज कैनाल क्या है? ये वर्ल्ड का कई सारे छोटे छोटे जो कैनाल्स हैं उनको मर्ज करके बनाया गया एक इंटरनेशनल कैनाल है जो पूरी तरीके से कंट्रोल में है इजिप्ट के, ठीक है? आप देखोगे कि कितनी ये स्वेज कैनाल कितनी बिजी है, पहले से कम बिजी है, पहले बहुत बिजी रहता था। चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो ये सारे इसके लेक्स रहे जो मैंने आपको बता दिया है। टोटल 193 किलोमीटर इसकी लेंथ है जो पोर्ट सईद से शुरू होती है फ्रॉम द नॉर्थ और पोर्ट स्वेज में जाती है इन द साउथ। बस इतना आपको ध्यान रखना है। कैनाल सेपरेट करती है अफ्रीकन कंट्री को, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एशिया से, ठीक है? और इसका फॉर्मेशन यानी कि इसका सबसे पहली बार उद्घाटन कब किया गया था? 1869 में। 1869 में गांधी जी का बर्थ हुआ है। 1869 में हमने स्वेज कैनाल का भी ओपन होना देखा है। तो ये हो गए आपके स्वेज कैनाल के बारे में, ठीक है? अब चलते हैं हम कंट्री और उनके कैपिटल की तरफ। लास्ट पार्ट है ये आपके डिस्कशन का आज के, ठीक है? ये आज के डिस्कशन का अंतिम पार्ट है। कंट्री कैपिटल में देखें हम तो सबसे पहले आर्मेनिया से शुरू करते हैं। इसकी कैपिटल है येरेवन, ठीक है? अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, जो काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है? इसके बाद बहरीन जिसकी कैपिटल है मनामा। एक कंट्री है पनामा साउथ अमेरिका में, या लैटिन अमेरिका में कहें हम तो, है ना? लैटिन अमेरिका में ज्यादा सही रहेगा, पनामा। लेकिन पनामा इज अ कंट्री, यहां पर मनामा है। जॉर्जिया, जॉर्जिया कंट्री है, तिबलिसी इसकी कैपिटल हो गई। ईरान की कैपिटल है तेहरान, इराक की कैपिटल है बगदाद, काफी ओल्डेस्ट सिटी है बगदाद। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में बगदाद का काफी इंपॉर्टेंट रहा। लेटर ऑन बगदाद ही सबसे बड़ी कैपिटल भी थी वर्ल्ड की कुछ समय तक के लिए। इसराइल की कैपिटल है जेरूशलम। जेरूशलम क्या है? इसे हम कल्चरल हार्ट के तौर पर जानते हैं क्योंकि जेरूशलम से होकर के वर्ल्ड में कई सारे जो रिलीजन्स हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, जैसे कि जूडिज्म, ठीक है? ये एक बड़ा एरिया रहा है कल्चरल हार्ट का। जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन की कैपिटल है
अमान, ठीक है, कुवैत की कैपिटल हो गई कुवैत सिटी। इसके बाद देखो लेबनान जिसकी कैपिटल है बेरूत, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरूत में जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि बेरूत किसकी कैपिटल है। ओमान जिसकी कैपिटल है मस्कट, मस्कट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पैलेस्टीनियन टेरिटरीज उस कंट्री को नाम से हम जानते हैं फिलिस्तीन को, जिसकी एक कैपिटल तो रामल्ला है लेकिन ये अपनी कैपिटल को जेरूशलम मानता है, लेकिन चूंकि यहां पर इसराइल का पूरी तरीके से कंट्रोल है तो इसलिए उसने अपनी कैपिटल रामल्ला को डिक्लेयर कर रखी है। फिलहाल इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद कतर की बात करें तो कतर की कैपिटल होगी दोहा, जो अक्सर न्यूज में ही रहता है। फिर सऊदी अरब की कैपिटल होगी रियाद, उसके बाद देखो सीरिया की कैपिटल दमिश्क हो गई, ठीक है। फिर टर्की जिसकी कैपिटल है अंकारा, और यूनाइटेड अरब एमिरात की कैपिटल अबू धाबी, और यमन की कैपिटल हो गई सना। तो ये कुछ कंट्री हैं और उनके कैपिटल मिडिल ईस्ट के हो गए, ठीक है। अब चलो एक लास्ट डिस्कशन कर लेते हैं, और वो डिस्कशन रिलेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिडिल ईस्ट के कौन कौन से कंट्रीज से होकर के पास होती है, लेट्स हैव अ क्विक लुक, ठीक है। सबसे पहले देखो आप, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से जा रही है अफ्रीका के नॉर्थ से, एकदम कंप्लीट नॉर्थ से, अफ्रीका का नॉर्दर्न, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अफ्रीका के नॉर्थ में वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट से होकर के जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से होकर के गुजरती है सऊदी अरब से, काफी बड़ा एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ये डॉटेड लाइन आप देख रहे होंगे, डॉटेड लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कर्क रेखा का। इसके बाद यही कर्क रेखा आगे कंटिन्यू हो रही है यूएई की तरफ, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरात की तरफ, अगेन ये कंटिन्यू हो जाती है ओमान कंट्री की तरफ, ओमान कंट्री का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो आता है कर्क रेखा के अंडर में। इसी के कैपिटल है ओमान की मस्कट, जो कि पूरी तरीके से सिचुएटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो कुल मिला जुला करके 1, 2 एंड 3 तीन कंट्री ऐसे हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आते हैं, कर्क रेखा पर आते हैं, गल्फ कंट्रीज के, मिडिल ईस्ट कंट्री के। ठीक है, हाँ सुनील, तेल अवीव भी मानते हैं, सुनील बिल्कुल सही कहा, लेकिन हाल ही में इसराइल ने अपनी कैपिटल को जेरूशलम शिफ्ट कर दिया है हाल ही में, आप लोग को पता होगा तेल अवीव उसके साउथ में था, बट अभी उसने अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो कैसी लगी आज की क्लास आप लोगों को, वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कोई क्वेरी आप लोगों की या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स तक, ठीक है, चैनल को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे आपको मेरे क्लास के रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे, रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन आज की क्लास में आने के लिए, काफ़ी अच्छा रहा, एक अच्छा क्विक रिवीजन हुआ होगा आप लोगों का आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। अगली क्लास तक के लिए आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मुलाकात होगी, कुछ और डिस्कशन करेंगे हम वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप से रिलेटेड, ऐसे ही वर्ल्ड के कंट्रीज को हम एक्सप्लोर करेंगे, उनकी इंटरनेशनल बाउंड्री को एक्सप्लोर करेंगे, और फिर उसके बाद हम आएंगे फिजिकल मैप के ऊपर। तो एक बार पॉलिटिकल मैप क्लियर हो जाने के बाद फिजिकल मैप बहुत आसान हो जाता है समझ पाना सारी चीजों को, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास जरूर पसंद आई होगी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।